बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कहा कि ये पहली बार नहीं है कि किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई है, तो इस बार इतना हंगामा क्यों बरपा। सिंधिया ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने न्यायपालिका पर दबाव और धमकी से कार्य किया, व्यक्तिगत कानूनी लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई के रूप में फैलाया, वो ठीक नहीं है। ये एक स्वार्थ की लड़ाई लड़ी जा रही है। सिंधिया ने कहा कि पहली बार नहीं है ये किसी सांसद की सदस्यता रद्द की गई हो। पिछले 10 सालों में इस लिस्ट में कई लोग शामिल हैं, तो क्या कारण है कि इस बार इतना हंगामा किया जा रहा है। हमारे संसद या लोकतंत्र को चलने नहीं दिया जा रहा है। सिंधिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है, क्या वो नेताओं की पूरी फौज लेकर जाता है। पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दबाव और धमकी के लहजे में अपनी लड़ाई को लड़ रही है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और सबसे निचले स्तर पर जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये स्वार्थ की लड़ाई है, लोकतंत्र की नहीं। साथ ही कहा कि देश में शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई, क्या ये गांधी जी के सिद्धांत हैं? सिंधिया ने कहा कि इस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है और सुरक्षा बलों से उनकी बहादुरी के सबूत मांगे। राहुल गांधी मामले में जो अभूतपूर्व हंगामा किया जा रहा है, ये शर्मनाक है। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी ने हैरान करने वाला बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगते। उनका ये बयान सब कुछ बताने के लिए काफी है और शर्मनाक। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है, इनकी केवल एक विचारधारा बची है, वो है केवल देशद्रोही विचारधारा, देश के विरुद्ध काम करने की विचारधारा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह राज्यों में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाह कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन, सांसद खेल स्पर्धा के समापन और सम्मेलन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकभवन स्थित कार्यालय पर इंडियन आइडल 13 के विजेता ऋषि सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम योगी ने ऋषि सिंह के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामना की। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन सिंह मौजूद रहे। ऋषि सिंह अयोध्या जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने इंडियन आइडल 13 का खिताब जीता। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली दौरे के संबंध में बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य परियोजना पर भी सहमति जताई है। सीएम ने योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि उन्होंने पीएम को चारधाम यात्रा, कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। केंद्र सरकार से हरिद्वार से वाराणसी के लिए वंदे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का आग्रह किया। इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बड़ी सुविधा मिलेगी। भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 4,435 नए केस सामने आए। 25 सितंबर 2022 के बाद से यह पहली बार है जब एक दिन में कोरोना के इतने मामले सामने आए। देश में कोविड 19 के 4,435 नए मामलों के साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 23,091 मरीज इलाजरत हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 11 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई। वहीं चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी और कर्नाटक में एक एक व्यक्ति की जान गई। देश में कोरोना से रिकवरी रेट 98.76% है और वहीं एक्टिव केस 0.05%। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 2,508 लोग कोरोना से रिकवर हुए और कुल ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 4.41 करोड़ पहुंच गई। देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने पटियाला स्थित अस्पताल में जाकर स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बलवीर सिंह ने कहा कि पंजाब में, हरियाणा और
हिमाचल की अपेक्षा कोरोना के मामले कम हैं और स्थिति नियंत्रण में है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। पंजाब में कोई भी मरीज आईसीयू और वेंटिलेटर पर नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से अस्पताल में पुख्ता इंतजाम किए। ओडिशा के बालेश्वर में विदाई समारोह के दौरान सहायक शिक्षक समेत विद्यार्थी रो पड़े। अपने जीवन के 34 साल मृत्युंजय राउत बच्चों को पढ़ाने और स्कूलों की बेहतरी के लिए सक्रिय रहे। दिल्ली पुलिस गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को दिल्ली ले आई। इस दौरान मौके पर स्पेशल सीपी स्पेशल सेल एचजीएस धालीवाल भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। आरोपी एक बिल्डर की हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। दिल्ली में घोड़ा के विधायक अजय महावर ने गलियों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। अजय महावर अपने क्षेत्र की जनता को कुछ न कुछ सौगात देते रहते हैं। अजय महावर सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निपटाने का काम करते हैं। देहरादून के सचिवालय में चारधाम यात्रा को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, बद्री केदार समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई। 22 अप्रैल से आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसी बीच कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। 24 घंटों में उत्तराखंड के 5 जिलों में 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और इस तरह से प्रदेश में कोरोना सक्रिय मरीजों की संख्या 96 पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कोरोना के मद्देनजर चारधाम यात्रा के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पुख्ता करने की मांग की। उन्होंने चारधाम यात्रा को उत्तराखंड की आर्थिकी का आधार करा दिया और कहा कि कोरोना के चलते चारधाम यात्रा विफल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत और महामंत्री रवि पाल के बागेश्वर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर एक बाइक रैली का आयोजन किया। मसूरी में ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी भवन निर्माण मजदूर संघ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोडवेज कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठनों ने रोडवेज में पुरानी बसों को हटाकर नई बसों का संचालन करने की मांग की। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान नशा तस्करों के पास से 31 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया और इस दौरान पुलिस ने मामले में 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू की। काशीपुर में एक बार फिर गुलदार की दहशत से लोग इस समय दहशत में है। गोरा फार्म में बने पानी की होड़िया में फंसे गुलदार का वीडियो वायरल हो रहा है। गुलदार के फंसे होने की सूचना मिलते ही गुलदार को देखने के लिए स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। थराली के रायकोली गांव के पौराणिक नारायण मंदिर में श्रीराम कथा का शुभारंभ हो गया है। श्रीराम कथा का समापन 14 अप्रैल को होगा। बेतालेश्वर मंदिर से नारायण मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकालेगी जिसमें कई श्रद्धालु शामिल हुए। अल्मोड़ा में विधायक महेश सिन्हा ने मरचूला भिकियासैर मोटर मार्ग का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा रामनगर से भिकियासैर की दूरी कम होगी जिससे क्षेत्र के लगभग 20,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। रामनगर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर एक गांव के प्राथमिक विद्यालय में पाइपलाइन को उखाड़कर ले गए। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने पुलिस को तहरीर दी। उनका आरोप है कि पहले भी स्कूल में 6 बार चोरी हो चुकी है। एक ब्रेक यहां पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। संगम एक्सप्रेस की बाकी खबरें आपको दिखाते हैं। बिलासपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने बाइक पर मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले बाइक सवार पर कार्रवाई की, साथ 81 बाइक सवारों की बाइक जब्त की। भिंड के सोनीलालपुरम में एक व्यक्ति का शव मिला। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के सिर पर चोट के निशान देखे गए। मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए। आईपीएल के शुरू होते ही देश भर में सटोरिये सक्रिय हो गए हैं। ग्वालियर में सटोरियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की और एक सटोरिये को गिरफ्तार किया। छतरपुर में राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी वार्ड में अचानक आग लग गई। आग लगने की घटना से वार्ड का एसी समेत कुछ बिजली और बिस्तर की पूरी लाइन जलकर राख हो गई।
झारखंड में अप्रैल में गर्मी बढ़ने लगी है। दुमका के पेलतहा गांव में लोगों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। गांव की जनता पानी के लिए लगातार हैंडपंप पर निर्भर है और हैंडपंप खराब होने से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। करौली में एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बीजेपी के विधायक जीवेश मिश्रा को सदन से बाहर कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी के तमाम विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और साथ ही साथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। गदरपुर में हाल ही में हुई भारी बारिश के चलते किसानों की फसल नष्ट होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां डीटीसी क्लस्टर बस ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दौरान स्कूल जा रहे एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। बस चालक मौके से फरार। जामताड़ा के गांधी मैदान में मुखिया संघ की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष देवी सन हांसदा ने की और बैठक में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती समेत पंचायत जनप्रतिनिधियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। अल्मोड़ा में महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने गांधी पार्क में प्रदर्शन किया। आपने कहा बीजेपी सरकार ने राज्य में शिक्षा स्वास्थ्य बिजली समेत रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी कर दी और शराब के दाम सस्ते किए। हजारीबाग के संत कुलबा मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 44वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन परिवहन मंत्री चंपन सोरेन, जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्वलित करके किया। हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलेंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने कपाट खुलने की तारीखों की घोषणा कर दी है। ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव से मुलाकात की और उसके बाद यह फैसला किया गया। सहारनपुर के देवबंद में श्री त्रिपुर माँ बाला सुंदरी देवी के वार्षिक मेले की शुरुआत की गई। नगर पालिका के तत्वाधान में मेले का आयोजन हुआ जिसका शुभारंभ पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह ने किया। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए दिन भर भक्तों का तांता लगा। गुरुग्राम में आज एक भारत श्रेष्ठ भारत मुहिम के तहत राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें अलवर सांसद महंत योगी बालकनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम में मनाया गया राजस्थान का स्थापना दिवस। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का काम जोरों पर है। ब्लास्टिंग के चलते नरेंद्र नगर के अटाली बल्दिया खान और कोटियाला गांव में मकानों और खेतों में दरारें पड़ने लगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तारिक मंसूर को राज्य सरकार द्वारा एमएलसी बनाए जाने के बाद एएमयू के वीसी मंसूर ने पद से इस्तीफा दे दिया और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर वाइस चांसलर के रूप में काम करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज प्रभारी के रूप में वीसी की जिम्मेदारियां संभालेंगे। लखनऊ में थाना गोमती नगर विस्तार के बाहर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया। जामताड़ा में कांग्रेस के नेताओं द्वारा लगातार मोदी सरकार का विरोध किया जा रहा है जिसके चलते कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। आगरा में प्रशासन ने डग्गामार वाहनों और अतिक्रमण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। खेरागढ़ में पुलिस ने 12 अवैध वाहनों को सीज किया। साथ ही पुलिस ने जगनेर थाना क्षेत्र और खेरागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध पार्किंग पर कार्रवाई की। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। लगभग 15 बीघा फसल जलकर राख हो गई। आसपास के लगभग 3 गांव के लोगों ने आग पर काबू पाया। औरैया में सड़क पर चलते ऑटो में अचानक आग लग गई। घटना में ऑटो चालक झुलस गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ऑटो चालक की मौत। हरदोई में ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत हो गई। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया जिसके बाद डॉक्टर्स और स्टाफ अस्पताल छोड़कर भाग गए। जामताड़ा में कांग्रेस कमेटी ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। इसी दौरान जिला प्रभारी मदन महतो और विधानसभा प्रभारी शमशेर आलम शामिल हुए। मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने व्यवसायी से लूट के दौरान हत्या के मामले का खुलासा किया जिसमें मुख्य अभियुक्त और उसके साथी को गिरफ्तार किया।
लखनऊ में बुजुर्ग महिला कई दिनों से लापता थी, जिसके चलते महिला के दामाद ने हत्या की आशंका जताई और थाने में महिला के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस महिला की तलाश में जुटी। नवी मुंबई में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चोरी करने के दौरान घर के मालिक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा। मेरठ के औरंगाबाद गांव में 2 समुदायों में खूनी संघर्ष हो गया और इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों के विवाद में दोनों पक्षों में पथराव हुआ। धनबाद जेल में 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, उसके बाद प्रशासन जेल सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उसी को लेकर मंडल कारागार चास और तेनुघाट उप कारागार में छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान नहीं बरामद हुआ। धौलपुर के नादनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण मामले में पॉक्सो अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। शिवपुरी में जनसुनवाई में एक महिला ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्महत्या की कोशिश की। हालांकि ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने महिला के हाथों से पेट्रोल की बोतल छीनकर महिला को आत्महत्या करने से रोका। बांका के वारसाबाद गांव में पुलिस ने एक गन फैक्ट्री का खुलासा किया। गन फैक्ट्री वेल्डिंग की दुकान की आड़ में चल रही थी। छापेमारी के दौरान पुलिस को हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में पुलिस को मोबाइल चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सभी थाना क्षेत्र से कुल 52 मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी दफ्तर में मोबाइल धारकों को उनके फोन वितरित किए। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र की अगर बात करें तो अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला। इस दौरान लोगों ने एमजी के विरोध में नारेबाजी की। बिना नक्शा पास कराए अवैध कॉलोनी बनाई गई थी। अमरोहा में तेज रफ्तार डीसीएम ने खड़ी डीसीएम में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बहादुरगढ़ में महिला सिपाही ने संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन किया, उसके बाद महिला को रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रधानों ने विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव का पुतला फूंककर विरोध जताया। पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में लापता ग्रामीण का शव मिला। शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा में रेयान इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ छात्रों और अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। छात्र और जिलाधिकारी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए। अभिभावकों का आरोप है कि 50% डिस्काउंट के नाम पर बच्चों के एडमिशन लिए, लेकिन अब पूरी फीस की मांग की जा रही है। मुजफ्फरनगर में अज्ञात वाहन की चपेट मारने से महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।